तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे का ब्लॉग। तो अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं आपसे डेयर देने के कहा था, बट आपने से किसी ने दिया नहीं और एक ही वीडियो पर कमेंट आ जा रहे हैं, वो है हैंड कैनिंग वाली, जिससे मैंने बच्चों की पिटाई करी और आपके और पिटाई वाली वीडियो बना, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया वो वीडियो बनाने के लिए। वो नहीं चाहते कि मैंने मारकर सोशल मीडिया पर डालें और गलत भी है, वायरल हो गया इससे काम का, तो हम ये नहीं करेंगे। तो आज का जो ब्लॉग है मैं खाना बना रही हूँ, मतलब जो है मैं पढ़ने में तो अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन दीदी अब मुझे खाना बनाना सिखा रही है। तो अभी जो दीदी ने भिंडी ने सिखा दी कैसे बनेगी, बट अब रोटी जाकर मुझे बनानी है, तो चलते पहले मेरे साथ रोटी बनाते हैं, ठीक है। कुछ हथियार जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी लड़ाई करने में, तो करते हैं लड़ाई। भिंडी मैंने बनाई, रोटी भी मैंने बनाई है, अब खा के देखनी पड़ेगी कि मैं जिंदा रह सकती हूँ या नहीं। तो अभी जो है मैंने खाना खा लिया, कुछ उनका टाइम भी होने वाला है, यानी बच्चे आने वाले होंगे, लेकिन जो वंशी है वो अभी सोई रही है, उसे उठाना पड़ेगा उससे पहले। और हाय गाइस, यार डरा दिया इस तरह कौन निकल के आता है। और ये जो अभी पढ़ी हुई है, मैथ्स ही कर रही है, मतलब स्कूल का काम कर रही है, तो पहले उसे उठा देता है वरना बच्चे आ जाएंगे, फिर उसे उठाना पड़ेगा, फिर वो और ज़्यादा दिल लगाती है, ठीक है। तो चलिए पहले उसे उठा देते हैं। ओए वंशु, भूत आ रहेंगे तेरे में, उठ जा, 4 बज गए, वो आ जाएंगे अभी, क्या हूँ कर रही है, उठ उठ वंशु, ए वंशु वंशु जिंदा है ना, हाँ आँख खेल रही है, वंशु उठ, उठ जा, नाम ले रही है, यानी ये बाद में पिटने वाली है, जैसे ये उठ जाए, ये मेरी गलती नहीं क्योंकि मैं तो इसे उठा रही, बट ये उठ नहीं रही है, ठीक है। तो अभी जो है मैंने YouTube पर जाके अपनी लास्ट वीडियो में कमेंट देखा था, तो फिर से शिवा कुमार की जो आइडिया, उन्होंने कमेंट करा था कि मैं जो ट्यूशन वीडियो है, ट्यूशन का ब्लॉग जो है दोबारा बनाऊँ, और वो भी 10 या 20 मिनट का बनाऊँ, जो कि मेरे आजकल के ब्लॉग से 2-3 मिनट के ही बन रहे हैं, 10-20 मिनट का ब्लॉग बनाऊँ, और जो ट्यूशन का उन्होंने कहा क्योंकि वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैं इसे और ज़्यादा बनाऊँ तो मेरे को व्यूज़ बहुत मिलेंगे, और ये है भी क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली है, जो क्लिप थी उसमें बच्चों को मैंने डंडे से मारा, उस पर ज़्यादा अब तक के जो वो हैं उनमें ज़्यादा वो आए हैं, व्यूज़ आए हैं। तो लेकिन अब बनाते तो एक बार को मैंने अभी जाके यूट्यूब पर देखा अभी कि लोगों ने डाले नहीं डाली है, तो मेरे को 1-2 वीडियो मिली जिन्होंने ट्यूशन की वीडियोज़ डाली हैं, उन्होंने बच्चों को मारा, बट जो मारने का जो सीन है डंडे का वो उन्होंने कट कर दिया है। तो मैं बना तो सकती हूँ, बट उससे पहले मेरे को जो ट्यूशन के बच्चे हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, और वो मुझे परमिशन देने से मना कर रहे हैं। गाइस देखो ये मेरी ड्राइंग हो रही है, कमेंट में लिख के बताना कि इन दोनों का नाम ये गलत बात है, क्या तो दिख क्या मैंने मार दिया क्या, हाँ तो मैं कहती नहीं लगा दियो और बोल भी दिया, तो हाँ तो हम कहाँ से एरोप्लेन बना के उड़ा दूँगी इसको, मैं तो चढ़ा दूँगी। तो उससे पहले मेरे को ट्यूशन से ट्यूशन के जो बच्चे हैं उनकी वो लेनी पड़ेगी अनुमति, लेकिन वो उन्होंने लास्ट टाइम मेरे को देने क्या तो उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम जब परमिशन देने से मना कर दिया था, तो इस बार मैं उनसे पूछती हूँ, अगर वो हाँ करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी मेरे को काफ़ी सारे अब रिक्वेस्ट आ चुकी है उसके ऊपर बनाने के लिए, तो मैं पक्का बनाऊँगी, ठीक है, चाहे ना सही ठीक है, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर, कमेंट कर देना गाइस। बच्चे आ चुके हैं और अभी इनकी पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन अभी इनकी डिक्टेशन चल रही है, तो अभी मैं डिक्टेशन दिखाऊंगी, मतलब डिक्टेशन होने के बाद ये नंबर दिए जाएंगे, नंबर देने के इनकी पिटाई लगेगी, मैं आपको वो क्लिप दिखा सकती हूँ। हाय गाइस, तो इन सब की अभी डिक्टेशन होगी, उसके बाद आपको नंबर और इनकी पिटाई दिखाई जाएगी। जल्दी कॉपी दो, नहीं नहीं नहीं
इसका बताओ क्योंकि मैंने एक नंबर नहीं काटा था अपना। तुम्हें नंबर काटना है? और मैं पेज उखाड़ लिया। पेज उखाड़ लिया तुमने? इधर देखा, इतना बदतमीज। बोलो बोलो, मेरे चॉइस कैसे पढ़ सकते हैं? आपने बोलता है ना एक काट, तो मैंने गिनती सीखा, मैंने गिनती नहीं आती। अरे भाई तू जब देख लो, अरे यहीं से 1 2 3 4 वो पट्टे वाला मत देख। दीदी आपने बोला था एक काटना है जो अच्छा, मतलब जो अच्छा ना लगे, तो मैंने अच्छा काटा नहीं है। कौन सा काटूं? सुन लिया एजी को लो। तुम क्यों नहीं हो छोटी बाजी हो क्या? गाइस मैंने होमवर्क काट दिया। अरे वो अभी देखती हूँ। अभी जन के टेस्ट चेक करने का नंबर बताया जाएंगे और पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, वाला है देखो लगा चाक चाक करेक्शन कर। लाइफ स्टाइल की नहीं आती, स्टाइल लिखने नहीं आता क्या? झूठ बोल लिया। 45 सबके 5 5 30 35 40 45। अब इनके पढ़ेंगे डंडे। गुड इवनिंग। मतलब तुम दिखाई भी नहीं दे रहे, अब दिख रहे हो। डंडा रख लो उठा के। बच्चे जो पढ़कर जा चुके हैं और अभी आपने उनकी जो पिटाई थी वो भी देख ली है और मैंने ज़्यादा नहीं दिखाई है उसको, ठीक है। और अब वो मतलब चले जा चुके हैं। अब उनका जो है कल मतलब डेली टेस्ट होता है उनका, बट मैं डेली की वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। होगा तो मैं डाल दूँगी, बट उन्होंने इस बार मेरे को परमिशन दे दी वीडियो बनाने की, इसलिए मैंने वीडियो बना के आपको दे दी। तो हमें करना है पहले तो मेरे को पानी पीना है, बहुत बोली ट्यूशन में, मेरे को प्यास लग गई। इस चश्मे को पहन के मेरे को सब कुछ पीता पीता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखो क्या मौसम है ना। तो अभी जो रात हो चुकी है, यानी रात को खाने बनने की तैयारी हो रही है और आज जो बनेगा वो है इडली और सांभर। लेकिन उससे पहले भी 3-4 आलू उबले हुए रखे थे तो इसका मैं बना रही हूँ। 3-4 आलू उबले रखे थे उसका मैं बना रही हूँ टिक्की। और टिक्की जो है 2-3 मतलब ज़्यादा नहीं बनेगी, 2-3 बना के खा लूँगी मैं। तो उसके अभी इडली सांभर बनने से पहले मैं जो टिक्की है ना वो बना लूँ और इसका मैंने पेस्ट बना लिया, अभी दिखाती हूँ ना। वो आलू प्याज डाल के अभी उसको तवे पे सेक दूँगी, काम चलाओ टिक्की हो जाएगी मेरी। ये रही मेरी टिक्की, अच्छी पता नहीं कैसी है, बाकी मुझे खा के चेक करनी पड़ेगी कैसी बनी हुई है। बस भगवान मेरी आत्मा की रक्षा करे, इसे खा के मैं ज़िंदा रहूँ क्योंकि मुझे अभी ब्लॉग्स बनाने बहुत सारे। तो मैंने जो टिक्की खा लिया, टिक्की का टेस्ट अच्छा था, मतलब दिखने में ठीक नहीं था लेकिन टेस्ट उसका अच्छा था। और दूसरा जो मैं तारीफ नहीं कर रही, सच में अच्छा था। और अंदर जो है सांभर बन रहा है और बाहर जो, क्योंकि आज मंगलवार भी है तो आज सुबह बाहर पूजा कर रहा है, पूजा और बाद में प्रसाद बटेगा जिसमें लड्डू होंगे, एक एक लड्डू मिलेगा। और ये मेरा हाथ जो है जल गया था थोड़ा जी, मतलब इस आगे से किसी का नहीं जलता बट मेरा जल गया, मैं अनोखी हूँ। टिक्की बनाते समय मेरा हाथ जल गया था, ये जो कोलगेट लगा ली मैंने, अब ठीक है। बाहर पूजा हो रही है, अभी दिखाती हूँ। तू बांटेगा प्रसाद? अच्छा तू बैठी। हाँ, उसकी गैर मौजूदगी में तू बांट रहा था प्रसाद। इडली के लिए सूजी है प्रसाद, दो चलो जल्दी। तुम खड़े हैं बांटने के लिए? हाँ, ये बांटती इसलिए क्योंकि जो बांटता है उसको लास्ट में 2 लड्डू मिलते हैं, लेकिन हम साथ ही आते हैं। फिर भी ऐसे लड़ते हो लड्डू के लिए? चल झूठा। मुझे इस वाले हाथ से दे, ये वाला हाथ ठीक है मेरा,
आप भी प्रसाद खा लीजिए। इसके लिए हाथी घोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर रहा। तिडली जो है बन चुकी है, सब लोग खाना खा रहे हैं, मतलब बाहर मम्मी पापा ने खाना खा लिया है, लेकिन अभी ये लोग खा रहे हैं। ये देखो इधर है सांबर, इधर देखिए जरा, सही कह रही हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी इडली है। अगर वीडियोस अगली हो तो देखो, हम वीडियोस देख रहे हैं। जो इडली सांभर भी बन गया और टिक्की भी बन गई है। मुझे तो बता भी नहीं था, तो यहीं बैठी पड़ी है। जो इडली सांभर बन गया, टिक्की बन चुकी है और बहुत अच्छी बात है, मैंने उनको चॉकलेट भी दी थी, लेकिन फिर भी वो इतना कर दी। छोड़ो, इडली सांभर बन, अरे यार मैं क्या बोल, खाना खाने की चिंकी जी वो खा रही है इडली सांभर ये भी। तो अभी जो है दीदी खाना खा रही थी, उन्होंने दीदी ने मुझसे कह दिया था कि मैं इडली देख लूँ और इडली मतलब बनने रख दूँ। मैंने इडली बनने रखी तो इडली इतनी अच्छी बची बनी है, मैं आपको क्या बताऊँ, जो कि बिल्कुल मेरी फूडी है। ये देखिए खराब बनी, इतनी ख़राब बनी है, मैं क्या बताऊँ। और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ काम खराब ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इडली इतनी ख़राब बनी है वो छोड़ी, उसके बाद जो किचन की इतनी गंदी हालत हो रखी है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती इतनी गंदी। अगर दिखा भी नहीं तो आप बेहोश हो जाओगे। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा होगा, अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग जो है उसमें हम बनाएंगे गोला, वो जो खाते नहीं बर्फ़ का जो गोला होता है, वो हम कल के ब्लॉग में बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना ही मत भूलेगा। तब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल तब तक के टट्टा बाय, सो जाइए। क्या चिंकी पासवर्ड क्या है? 3039 चिंकी। ये तू क्या कर रही है? धो रही हूँ। किसे धो रही है चिंकी? चिंकी का दूसरे का भी निकाल दिया इसने। मनु ये गरीबों का पाइप होगा सिस्टम, टंकी होने के बावजूद। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? टंकी में पानी नहीं आता। मतलब आप अपने हेयर स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई अच्छा बोले क्योंकि ब्लॉग शुरू हो गया है ना भाई। जब तक कुछ हंसी वाला कभी सारी बात नहीं आ जाती। सोच अगर मनु ऐसे छुट्टी गिर जाती तो बहुत बदतमीज है। मेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती कराने के चक्कर में ना हंस नहीं रही है। मनु तेरे पता क्या हुआ, मैं स्कूल से आ रहा है, तू ही तेरा मेरे साथ झूठ बोलने वाला। मोदी जी का एक मीम है मेरे पास, उसको वो कहता है, और मत बोल गई फिर मोदी जी के पास चली गई तो कहता है इतने फेमस तो नहीं है तो पाकिस्तान में गई है तो मोदी के पास कैसे बोल सकती। पाकिस्तान में जाने कोई बड़ी बात नहीं होती। वो कहता है झूठ बोलो, जहाँ हो सके वहाँ झूठ बोलो, जितना हो सके उतना झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ नहीं झूठ, वो झूठ बोलता है। आप अपनी त्वचा की सुंदरता के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हंसते रहो, कई रोज बर्तन धोया करो, आपकी त्वचा एकदम। अभी दो चाटे पड़ते तो रो रही थी है? दूसरों को बोलती हंसते रहो।
व्लॉग में थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। ये पोल पट्टी खुलवाएगी अभी ना, मैं कैमरे के पास आ गई, मैं कैमरे में देखती है क्या उसके दांत दिख रहे हैं सब। बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो, बस तोड़ दिए तूने।